विश्वनाथ धन्य विद्वान अशोक दास जी सम्राट अशोक की भूमि से आए हैं। आप बिहार के रहने वाले हैं और हमें गर्व है कि बिहार इसको बदनाम इसलिए किया गया क्योंकि ये दुनिया की सबसे सुंदर महिला अम्रपाली की भूमि, ये बिहार प्रदेश दुनिया के सबसे पराक्रमी सम्राट सम्राट अशोक की भूमि, इसलिए ये जो यहाँ के मनुवादी हैं उन्हें तो बुद्ध के दर्शन करके ही आंखें टिमटिमा जाती हैं, इसलिए उनके उनके निशाने पर बिहार और बिहारी हमेशा रहते हैं और हमारा ये परम कर्तव्य बनता है दुनिया के बौद्धों का कि वो सबसे ज्यादा सम्मान बिहार वासियों का करें, बिहार के रहने वालों का करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश का करें जो बुद्ध की कर्म भूमि रही है। बाकी सब चीजें अपने स्थान पर है। मैं निवेदन करूंगा भाई अशोक दास जी से वो गागर में सागर उड़ेते हुए अपने विचारों से या उपस्थित जन समूह को अपने विचारों से लाभान्वित कराएं। भाई अशोक दास जी शुक्रिया सर। गागर में सागर भरने का काम सिर्फ जर्नलिस्ट ही कर सकता है क्योंकि वो एक एक शब्द चुन के लिखना पड़ता है, उसको पढ़ने का हिसाब किताब देना पड़ता है। साहित्य रत्न सम्मान का कार्यक्रम है तो मैं चूंकि जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं सबसे पहले जो हमारे पहले पत्रकार जिनको मैं मानता हूँ स्वामी अच्युतानंद जी को नमन करता हूँ, हीरा डोम जी को नमन करता हूँ जिनकी कविता पहली छपी, और जो भी इस परंपरा के लोग हैं चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों माननीय कांशीराम हों और भी तमाम लोग जो जर्नलिज्म की विधा के रहे हैं उनको नमन करता हूँ। साहित्य सम्मान है, अच्छी बात है, साहित्यकारों को लेखकों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक साहित्यकार के लिए एक लेखक के लिए सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जो उसका पाठक उसे देता है। जब हम कोई किताब लिखते हैं और उसे पढ़कर कोई पाठक फोन करता है कि हाँ आपने जो लिखा उससे मुझे ये जानने को मिला, जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं उसको पढ़ने के बाद अगर किसी का फोन आता है कि हाँ आपके आर्टिकल के माध्यम से मुझे ये जानने को मिला, तो वो मेरी समझ से मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मुझे वो दिन याद है, हम लोग 7 साल हो गए दलित दस्तक मैगजीन को, एक मेरे पास चिट्ठी आई जो पाठकों के पत्र होते हैं और उस चिट्ठी में लिखा था कदम सर कि दलित दस्तक को पढ़ के मैं ईश्वरवादी से अंबेडकरवादी बन गया, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मतलब एक जर्नलिस्ट के लिए हम लोग जो काम करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है। बाकी जैसा कि सांसद सर ने कहा कि उनके पास लोग अप्रोच कर रहे थे कि भाई पैसे ले लो लेकिन साहित्य सम्मान दे दो, तो 90% सम्मान तो पैसे से ही मिलते हैं, इसलिए साहित्यकारों को उसके पीछे जाना भी नहीं चाहिए। ऐसा जो शासन है यहाँ पे अक्सर शिकायत करते रहते हैं फेसबुक पे कि हमें सम्मान नहीं मिला इस शासन में उस शासन में, जरूरत नहीं है सर, आपके जो पाठक पढ़ रहे हैं ना वो जो सम्मान दे रहे हैं वो असली सम्मान है, किसी ने नहीं दिया से क्या मतलब है, हम उनके सम्मान के लिए थोड़ी लिख रहे हैं। आप अगर ये इसलिए लिख रहे हैं कि आपके पाठक जो हैं आपके समाज के लोग हैं उस बात को जाने उन तक पहुंचे, यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। बाकी इस कार्यक्रम के आयोजक शांति सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।